गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से. सॉरी, 5 तो आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 से. मीन्स पिछले वीडियो में आपके 1-5 कवर अप हो चुके हैं. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट, जो कि एक्सरसाइज 6.3 के हैं. मीन्स एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से. तो देखिए, 6 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है. इन द फॉलोइंग फिगर, इन फिगर्स में आपका जो ट्राइंगल ए बी ई है, ट्राइंगल ए बी ई इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी. मतलब ए बी ई जो ट्राइंगल है वो आपका ए सी डी के कंग्रुएंट है. देन शो दैट, आपको ये दिखाना है ए डी ई सिमिलर होगा आपका ए बी सी के. ऑलराइट, तो देखिए ये रहा आपका फिगर. इस फिगर में आप देख लीजिए आपको कौन से ट्राइंगल कंग्रुएंट दे रखे हैं. तो इस फिगर में आपको जो ट्राइंगल दे रखे हैं वो आपको दे रखा है ए बी ई, मीन्स ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा दे रखा है ए सी डी, ये आपको कंग्रुएंट दे रखे हैं. कंग्रुएंट दे रखे हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, मतलब ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा. लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी. ए डी ई जो कि सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के, ये आपको प्रूफ करना है. ऑल राइट, तो देखिए आप इसमें इट इज गिवन दैट ये आपको दे रखा है ए बी इज कन्वर्ट टू ट्रायंगल ए सी डी. अब ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको दे रखा है बाय सी पी सी टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा. ये दोनों साइड आपकी सेम हो जाएंगी सी पी सी टी के अकॉर्डिंग. एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई, और ए डी और ए ई आपकी इक्वल हो जाएंगी किसके, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग. नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, अब ए डी ई ट्राइंगल लीजिए और ए बी सी ट्राइंगल लीजिए. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जो एंगल ए है वो आपका दोनों में कॉमन है. ठीक है, जब आप डिवाइड देंगे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ये आ जाएगा. और एंगल ये आपका क्या है, दोनों में कॉमन है. तो आप क्या बोल सकते हैं, ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्रिटेरियन. एस ए एस का आपका रूल लग गया, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल आपके सिमिलर हो गए. अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है. इन द फॉलोइंग फिगर, ये आपको एक फिगर दे रखा है, इनमें एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई, कौन कौन से एल्टीट्यूड हैं ए डी और सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पे, पी पे कट कर रहे हैं. शो दैट, उसके बाद आपको ये दिखाना है. आपको क्या दिखाना है वो आप देख लीजिए. ए ई पी, ए ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल. ठीक है, सी डी पी के सिमिलर है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है. देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री है. अब ये दोनों एंगल आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो गए. ऑलराइट, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ए बी डी. ए बी डी मतलब ये पूरा किसके सिमिलर है, सी बी ई के. तो सी बी ई के मतलब इसके सिमिलर है. ठीक है, एक बार और देख लीजिए. जो आपका ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी मीन्स ये पूरा ट्रायंगल किसके, सी बी ई के. तो सी बी ई आपका ये रहा, ये इसके सिमिलर है. तो दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है. ठीक है, और पहला वाला अगर हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, तो उसमें ये 90 डिग्री है. ऑल राइट, फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी बी, दूसरा ट्राइंगल सी बी ई लेंगे, सी बी ई तो उसमें ये 90 डिग्री है. तो ये भी ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है हमसे. ए ई पी, ए ई पी आपका सिमिलर होगा ए डी बी के, ए डी बी के बिल्कुल सही. आप दोबारा से देख लीजिए, ए ई पी, ए ई पी आपका ये रहा, ये किसके सिमिलर दे रखा है ए डी बी के. तो ए डी बी मतलब इस पूरे के सिमिलर दे रखा है. तो दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है. तो फिर ए के अकॉर्डिंग ये दोनों भी सिमिलर हो गए. ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, उसमें आपसे क्या कह रहा है. एंगल पी डी सी, पी डी सी मीन्स ये वाला ट्राइंगल आपके पास छोटा वाला पी डी सी किसके सिमिलर होगा बी ई सी के.
बी ई सी के, मतलब पूरे के, ठीक है। तो दोनों में ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा, और इसमें आपका ये वाला 90 डिग्री है और इधर आपका ये वाला 90 डिग्री है, तो ए के अकॉर्डिंग ये दोनों भी आपके सिमिलर हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे आपका ये 7 वाला जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। अब आपका जो आंसर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये रहा, देखिए आपके दोनों जो ट्राइंगल प्रूफ करने हैं, कौन सा, ए ई पी और सी डी पी, तो आपके शेडेड कर दिए। शेड करने के बाद आपने तीनों कंडीशन लिख दी, ईस्ट 90 डिग्री और वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग हुए, ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल एक जैसे आपके हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में क्या दे रखा है, ए बी डी, तो ए बी डी पूरा शेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सी बी ई, सी बी ई इसने पूरा शेड कर दिया, ये आपको इक्वल इक्वल प्रूफ करने है, मीन्स ये आपको सिमिलर प्रूफ करने है, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, ए के अकॉर्डिंग ये भी सिमिलर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वन देखिए, तो थर्ड वन में क्या है आपका, ए ई पी इनमें शेड हो रहा है, और ए डी बी इसमें भी शेड हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सिमिलर हो गए, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, डबल ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल एक जैसे हो गए। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। उसके बाद देखिए फोर वाला, ये भी हमारा डबल ए के अकॉर्डिंग हमारा सिमिलर हो जाएगा, इट मीन्स आपके 7 के सारे पार्ट्स हो गए। अब बढ़ते हैं 8 वाले क्वेश्चन की तरफ। 8 वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, देखिए ई इज अ पॉइंट, ई आपको एक पॉइंट दे रखा है ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस, आपने एक साइड ए डी आगे की तरफ बढ़ाई, तो आगे आपको आगे जाके आपको एक पॉइंट मिल गया ई, ठीक है। ऑफ अ पैरेलोग्राम ए बी सी डी, लेकिन जो साइड बढ़ाई किसकी बढ़ाई, पैरेलोग्राम ए बी सी डी की, तो देखिए आपका पैरेलोग्राम है ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, और जो आपका बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, सी डी को कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, सी डी को, और कहाँ पे कट कर रहा है, वो आपका एफ पे कट कर रहा है, तो ये आपका एफ नाम हो गया। ऑलराइट, शो दैट, अब आपको ये दिखाना है कि जो आपका ट्रायंगल है कौन सा, ए बी ई, ए बी ई मतलब ये पूरा जो ट्रायंगल है वो आपका सिमिलर है किसके, सी एफ बी के, तो सी एफ बी के मतलब इसके, ठीक है। ये आपको पूरा जो ट्रायंगल है कौन सा, ए बी ई, ए बी और ई, ये पूरा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा आपका, सी एफ बी के, सी के एफ के और बी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, जो ए वाला एंगल है वो सी वाले के इक्वल होगा, क्यों होगा, बड़ा बेसिक सा फैक्ट है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ए ई बी, तो देख लीजिए ए ई बी, ये वाला जो आपका एंगल है ए ई बी वो आपका किसके इक्वल होगा, ये देखिए ए ई बी किसके इक्वल है, सी बी एफ के, तो सी बी एफ इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, देखिए आपकी दो पैरेलल लाइन है उसको वे लाइन कट कर रही है, तो इधर वाला एंगल इधर वाले के इक्वल होगा। ऑलराइट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ए और बी सी आपकी पैरेलल है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ए बी ई जो आपका ट्रायंगल होगा वो सी एफ बी के सिमिलर हो जाएगा ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन का यूज करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, तो इन फिगर आपको फिगर दे रखा है जिसमें आपका ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी मतलब ये वाला और ए एम पी मतलब ये वाला आर टू राइट ट्राइंगल्स, कैसे हैं, दो राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल एट बी एंड एम, जो कि कहाँ पर राइट एंगल है, एक तो बी पे है और एक एम पे रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए प्रूफ क्या करना है, ए बी सी किसके सिमिलर, ए एम पी के, बड़ी इजीली प्रूफ कर सकते हो, दोनों में ये एंगल कॉमन है और ए बी सी में ये 90 डिग्री और ए एम पी में ये 90 डिग्री, तो ए का अकॉर्डिंग आप यूज करके, ए क्रिटेरियन का यूज करके आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए सी ए ओवर पी ए, सी ए ओवर पी ए, पहला ट्रायंगल लिया आपने उसमें सी ए लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया आपने पी ए लिया, फिर नेक्स्ट बी सी ओवर एम पी, तो आपने बी सी लिया फिर आपने एम पी ले लिया, इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा। ऑलराइट, तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, फिगर बना लीजिए आप यहाँ पे, ये पहला ट्रायंगल और यहाँ से आपका दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, तो ये ए हो गया, ये आपका M हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, तो आप देख लीजिए फिगर में ए बी सी,
ए बी सी मतलब ये वाला एंगल ए एम पी के बराबर होगा। ए एम पी मतलब इसके क्यों होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं और एंगल ए एंगल एक कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए, कौन कौन से, ए बी सी, तो देखिए ए बी सी नेमिंग का आपको ध्यान रखना। तो पहले पे ए पड़ रहा है तो इधर भी ए पड़ रहा है, देखिए ए ए, उसके बाद बी और एम बराबर हैं तो बी और एम बराबर हैं, ठीक है। एट लास्ट सी और पी, तो सी और पी, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप लास्ट लास्ट वाले अक्षर ले लीजिए। तो देखिए सी ए आपने लिया, इधर सी ए लेंगे तो इधर पी ए लेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, बी सी और एम पी, तो बी सी और एम पी लिखा। इट मीन्स दोनों ट्राइंगल आपके जब सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये लाइन आप लिख के प्रूफ कर सकते हैं। ऑल राइट, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन कितने हैं, 16, तो हम 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो पहले 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी, ठीक है, एंड ई जी एफ, ओके, ऑल राइट, मीन्स ये आपको बाइसेक्टर दे रखे इन दोनों एंगल्स के, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई, इन इन साइड पे ये आपके पॉइंट पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली, इफ ट्राइंगल ए बी सी, यदि आपका जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है ए बी सी आपका, देख लीजिए आप, एफ ई जी के, ऑल राइट, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। सी डी ओवर जी एच, तो सी डी ओवर जी एच, ए सी ओवर एफ जी, ए सी ओवर एफ जी, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दो ट्राइंगल आपको कंग्रुएंट प्रूफ, वो सॉरी सिमिलर प्रूफ कर देना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस फिगर में, इस फिगर को देख कर, ए बी सी आपका सिमिलर है किसके, ई एफ जी के, सॉरी एफ ई जी के, तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, और बी एंगल किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा, और ए सी बी किसके बराबर होगा, एफ जी ई के, मीन्स कौन सा एंगल, ए सी बी, ये वाला ए सी बी एफ जी ई के, मतलब इसके बराबर होगा, ठीक है। सिंस ए सी बी, ए सी बी जो आपका एंगल है वो एफ जी ई के बराबर है, देन तब इसलिए सो एंगल ए सी डी, ए सी डी जो होगा वो एफ जी एच के बराबर होगा, एंगल बाई सेक्टर है वो उसका, और डी सी बी जो होगा वो आपका एच जी ई के बराबर होगा, एंगल बाई सेक्टर है। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, आप ट्राइंगल ए सी डी लीजिए और क्या लेंगे, एच जी ई लेंगे, तो एच जी ई ले लीजिए आप ट्राइंगल, ठीक है। उधर की साइड आपने कौन सा लिया, ए सी डी, और इधर एच जी ई, तो ए और एफ आपके बराबर है, ठीक है, आप पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद ई सी डी, ए सी डी जो एंगल है वो एफ जी एच के बराबर है, पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो जो आपका ई सी डी ट्रायंगल है वो आपका एफ जी एच के बराबर हो जाएगा, ए सी डी एफ जी एच के सिमिलर हो जाएगा, ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन के अकॉर्डिंग, जब ये आपके सिमिलर हो गया तो सी डी ओवर जी एच, तो पहले ट्रायंगल में सी डी देखिए, दूसरे ट्रायंगल में जी एच देखिए, इसका रेशियो ए सी अपॉन एफ जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रखा है, उसमें आपको प्रूफ करवाया है क्या, डी सी बी, तो डी सी बी ये रहा आपका किसके सिमिलर है, एच जी ई के, एच जी ई के, इजीली प्रूफ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट डी सी ए, तो डी सी ए आपका ये रहा, और एच जी एफ, तो एच जी एफ आपका ये रहा, मतलब नीचे नीचे वाले के सिमिलर, ऊपर ऊपर वाले के सिमिलर, आपको प्रूफ कर देना। तो ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए डी सी बी और एच जी में ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, प्रूव्ड है, अभी ये भी प्रूव्ड है, तो दोनों ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन के अकॉर्डिंग सिमिलर हो जाएंगे। इस टाइप से जो दूसरा वाला दे रखा है उसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, प्रूव्ड है, आप कर चुके हैं, तो ए सिमिलरिटी क्रिटेरियन के अकॉर्डिंग दोनों आपके सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, तब जाके आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू।